तो गाइस आज बात करेंगे मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर द बियॉन्डर के बारे में, जो कि लिटरली इतना पावरफुल है कि इसे एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर माना जाता है। लाइक इसके पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। इवन इतना ओपी कैरेक्टर था कि मार्वल वालों को मजबूरी से इसे रेटकॉन करना पड़ा। सो आप समझ लीजिए, और रिपोर्टेडली शायद द बियॉन्डर ही अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में भी मेन विलन हो सकता है। सो गाइस इस वीडियो में हम द बियॉन्डर के ओरिजिन के बारे में जानने के साथ साथ इसके सारे पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, और जानेंगे कि इसे क्यों पूरे एग्जिस्टेंस का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। तो गाइस बियॉन्डर बेसिकली बियॉन्डर्स नाम के एक एलियन रेस से बिलोंग करता है, जिन्हें सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था मल्टीवर्स को संभालने के लिए। और दी बियॉन्डर के आने के बाद दूसरे बियॉन्डर्स ने इस यंग बियॉन्डर के लिए एक अलग ही पर्सनल यूनिवर्स क्रिएट किया, जहां वो आराम से बड़ा हो पाए। सो उसके ग्रोथ के टाइम बियॉन्डर अपने यूनिवर्स में पूरी तरह से अकेला था। इवन उसे दूसरे बड़े बियॉन्डर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। तो उसने सोचा कि पूरे यूनिवर्स में बस वो अकेला ही एग्जिस्ट करता है। बट वाइल दिस अर्थ 616 में ओवन रीस नाम का एक लैब टेक्नीशियन एक एटॉमिक डिवाइस फिक्स करते टाइम एक एक्सीडेंट होता है, और इसके एनर्जी वेव से बियॉन्डर के यूनिवर्स यानी बियॉन्ड रियल्म में एक छेद हो जाता है। तो जब द बियॉन्डर उस छेद से बाहर देखता है तो उसे पूरा मार्वल यूनिवर्स नजर आता है, और ऑफ कोर्स वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे ये लग रहा था कि पूरे यूनिवर्स में बस वो अकेला ही एग्जिस्ट करता था। सो नाउ वो उन्हें सालों तक ऑब्जर्व करता है, और टाइम के साथ ह्यूमंस को लेके उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जाती है। दैट्स व्हाई उन्हें और जानने के लिए 1984 के सीक्रेट वॉर्स इशू 1 में वो एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करके मार्वल यूनिवर्स के कुछ ग्रुप ऑफ हीरोज और विलन्स को वहां लाके एक दूसरे से लड़ने को बोलता है, ये जानने के लिए कि बुराई में ज्यादा ताकत है या अच्छाई में। इवन इसके फर्स्ट अपीयरेंस में ही ये इतना पावरफुल था कि मार्वल के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स लाइक गैलेक्टस हो, डॉक्टर डूम हो, इनके साथ लिटरली खिलौने की तरह खेल रहा था। सो गाइस आप समझ लीजिए, देन इवेंचुअली यानी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 में उसका ह्यूमंस और अर्थ के प्रति फैसिनेशन इतना बढ़ चुका होता है कि वो इस बार खुद का एक फिजिकल फॉर्म क्रिएट करके अर्थ पे जाता है वहां के लोगों को और लाइफ को क्लोजली समझने के लिए। और बेसिकली यही ही उसकी ओरिजिन थी। बट गाइस अब बात करें द बियॉन्डर के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो गाइज द बियॉन्डर को आप लिटरली 3 वर्ड्स के साथ ही डिस्क्राइब कर सकते हो, और वो है ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट। लाइक इसमें से एक भी किसी के पास हो तो वो गॉड है, बट द बियॉन्डर ये तीनों था। लाइक ओमनीपोटेंट का मतलब बियॉन्डर के पावर्स लिटरली लिमिटलेस हैं। इवन माना जाता है कि अगर पूरे मार्वल मल्टीवर्स के सारे कैरेक्टर्स के पावर्स को कंबाइन भी कर दें तो भी गाइज बियॉन्डर के पावर्स उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा है। लाइक इसका पावर लेवल, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ लिटरली इनकैलकुलेबल है। और ये तो कुछ भी नहीं है, लाइक इसके एबिलिटीज में ऐसा तगड़ा मैटर मैनिपुलेशन है कि इसने अकेले ही बैटल वॉर जैसे प्लैनेट को क्रिएट कर दिया था। इवन इसके साथ साथ इसके पास टाइम मैनिपुलेशन और फेट मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है। लाइक ये चाहे तो समय को अल्टर करने के साथ साथ किसी के नसीब को भी बदल सकता है, यहां तक कि ये कॉजेलिटी और कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन भी कर सकता है। इवन इसने एक बार तो मार्वल यूनिवर्स में लिटरली एम्बॉडीमेंट ऑफ डेथ को ही मार के मरने का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था। सो इन भाई साहब के लिए डेथ, लाइफ, डिजायर, पावर सब कुछ इरिलेवेंट है। और बात करें द बियॉन्डर के ओमनीसिएंट होने के बारे में, तो गाइस ये बंदा लिटरली सब कुछ जानता है कि मल्टीवर्स के कण कण में कब क्या हो रहा है, यूनिवर्स के किस कोने में कौन क्या कर रहा है, इसे लिटरली सब कुछ पता है। सो आप इसके बारे में चुगली भी नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही इसके ओमनीप्रेजेंट होने के कारण से ये मल्टीवर्स के हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। लाइक लिटरली ही इज एवरीवेयर। इवन इसने एक बार कहा भी था कि मैं इतना बड़ा हूं कि तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स भी मुझे कंटेन नहीं कर सकता। लाइक मेरा पावर लेवल, ट्रू स्ट्रेंथ, लाइक सब कुछ तुम्हारे सोच के परे है। सो इसीलिए ही प्री रेटकॉन वाला जो बियॉन्डर था उसे ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट माना जाता था। मतलब ट्रूली एक गॉड लाइक बीइंग जिसकी लिटरली कोई भी सीमा नहीं है। एंड ऑफ कोर्स गाइस ऐसे कैरेक्टर का मेरी एग्जिस्टेंस ही नेचर के सारे लॉज को डिफाई करता है, एंड मे बी इसीलिए ही मार्वल ने इसे नर्फ करने का डिसीजन सही समझा। बट स्टिल गाइस अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल सीक्रेट वॉर्स में द बियॉन्डर को ही कैंग के सबसे पावरफुल वेरिएंट के रूप में इंट्रोड्यूस करेगा, तो गाइस इवन इफ ये कॉमिक्स जितना ओपी ना हो बट स्टिल उसका 10 गुना भी हुआ, तो गाइस बिलीव मी अवेंजर्स के लिटरली लग जाएंगे। बट इसमें तो मजा आएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और
बियॉन्डर को लेके आपके थॉट्स क्या है ये मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।